चलो आज हम लोग का टॉपिक क्या है, आवर एनवायरनमेंट। ठीक, आवर एनवायरनमेंट मतलब हमारा वातावरण, हम अपने वातावरण के बारे में कितना जानते हैं। और जितने भी हमारे भाई बहन इस पूरे इंडिया में रह रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं, उनको एक बात सीख लेनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट एक हमारा फैमिली जैसा है, उसको मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो वो हम लोग को इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा, और इसके बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग ये टॉपिक लेकर आए हैं, आवर एनवायरनमेंट। तो इस टॉपिक से ही हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट इसका डेफिनेशन क्या होता है। हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑल द फिजिकल फैक्टर एंड लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स कम टुगेदर टू फॉर्म ए एनवायरनमेंट। मतलब ऑल द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स जब आते हैं एक साथ, और उसमें कुछ फिजिकल फैक्टर हुए जैसे कि एयर हो, वाटर हो, विंड हो, पॉन्ड्स हो, रिवर हो, ये सब आते हैं एक साथ। फिर लिविंग फैक्टर जैसे कि लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि रॉक हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं। ये सब जब एक साथ आएंगे और एक ग्रुप एक साथ आएंगे, इसी कहते हैं हम एनवायरनमेंट। ठीक है ना, एनवायरनमेंट का डेफिनेशन तुम लोग अगर बुक पढ़ेगा चैप्टर 15 साइंस का क्लास 10th का, तो उसमें बढ़िया डिस्प्लेन दिया व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट खत्म हो गया, हमारा टॉपिक पहला खत्म हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। यहाँ लिख देते हैं फिजिकल फैक्टर, लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग इन दोनों एनवायरनमेंट। हम अपना पहला इस वीडियो में मेरा मोटिव ये है कि यू कैन मेक योर ओन आंसर और योर ओन डेफिनेशन। आई कैन गिव यू डेफिनेशन वेरी करेक्टली विच आर गिविंग इन द बुक, बट यू हैव टू मेक योर ओन डेफिनेशन, बिकॉज इफ यू आर गोइंग टू राइट ए ओन डेफिनेशन इन ए बोर्ड एग्जाम, तो क्या होगा, इससे एक टीचर भी खुश हो जाएगा। ठीक है ना, तो सीखो कि हाउ टू मेक योर ओन पैराग्राफ और ओन स्टोरी और योर ओन डेफिनेशन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम इज सेम एज द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम इज सेम एज द एनवायरनमेंट। एक छोटा सा जगह को, मतलब एक छोटा सा जगह जहाँ पर लिविंग फैक्टर और नॉन लिविंग फैक्टर एक साथ परफॉर्म करे, इसी कहते हैं हम इकोसिस्टम। लिविंग थिंग्स भी हो, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, और कुछ फिजिकल फैक्टर भी हो, और कुछ हाँ ठीक है, उसी कहते हैं इकोसिस्टम। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना किसी बकलोली के। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, वो जो लाल बटन देख रहे हैं फतीला या फती फेंक के मारना, या बैट बॉल खेला तो बैट फेंक के मारना, लेकिन लाल बटन दबा जाना चाहिए, घंटी को घंटा की तरह बजा जाना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो नीचे में लिखो हाँ वीडियो अच्छी लग रही है। अगर इसको और अच्छा बनाना है तो कमेंट में जाकर लिखो कि इसको और अच्छा बनाइए और इसको और अच्छा कीजिए। और कोई भी टॉपिक अगर हम ले रहे हैं तो अगर तुम उसको चाहता है कि हम और इसको एलाबोरेट करें, तो कमेंट में जाकर लिखो इसको और मतलब बढ़िया से समझाइए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इकोसिस्टम जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर और कुछ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स परफॉर्म करते हैं एक पार्टिकुलर एरिया में, उसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम होता है दो प्रकार का। ठीक है ना, तो वो एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। ठीक है ना, ये मैन मेड को हम आर्टिफिशियल भी कह सकते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम कहते हैं विच आर मेड बाय नेचर। नेचर उस चीज़ को बनाया है। फॉर एग्जाम्पल नेचर, जैसे कि कुछ भी है दिमाग में आ जाएगा, जैसे कि हमारा ये हुआ है नेचर, जैसे कि हो गया रिवर, जैसे कि पोन, जैसे कि पोखर हो गया, तुम लोग पोखर देखता होगा ना, वो तो हाँ पोखर मान सकते हैं, वो सब हो गया क्या हमारा नेचुरल इकोसिस्टम। एग्जाम्पल लिख देते हैं, रिवर पॉन्ड्स इट इज
अब मैनमेड इकोसिस्टम उस इकोसिस्टम कहते हैं विच आर मेड बाय ह्यूमन विद देयर ओन यूज, वो अपने फायदा के लिए वो छोटे से इकोसिस्टम को छोटे से पीरियड के लिए डेवलप करते हैं, समझ रहे हो? और यहाँ सुनो, ध्यान कान सब कुछ खोल खाल के सुनो, एकदम कॉपी कलम लो, आगे बैठ जाओ, अगर नोट्स करना चाहता है तो नोट्स करो, अगर दिमाग में नोट करना चाहता है तो दिमाग में नोट्स करो, कहीं नोट करो लेकिन नोट करो, ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, मैन में इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इज इकोसिस्टम विच डेवलप्ड बाय ह्यूमन बींग विद देयर ओन यूज फॉर ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हम यहाँ ले देते हैं क्रॉप फील्ड एंड एक्वेरियम, अब ये हम काहे लिखे क्रॉप फील्ड, उसमें वाटर भी रहेगा, सॉइल भी रहेगा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी रहेगा, हाँ, और कुछ रॉक्स भी रहेगा, इतना रॉक्स होता है ना वो भी रहेगा, तो क्या हुआ कि ये हो गया छोटा सा, हम क्या बोले फिजिकल फैक्टर, सॉइल आ गया आगे फिजिकल फैक्टर, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स, रॉक आ गया नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया लिविंग थिंग्स, और कुछ और फिजिकल फैक्टर वाटर, इस सब मिला कर हम कहते हैं क्या कि ये मैन मेड इकोसिस्टम है, मतलब ये इंसान के द्वारा क्रिएट किया जाता है फॉर पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तब तुम बोलो कि तो ये इसमें इंसान का क्या फ़ायदा है, इंसान का फ़ायदा इसलिए है क्योंकि इंसान उस पर खेती करेंगे और उनसे जो अनाज होगा, जो ग्रेन्स होगा, उससे वो अपना प्रॉफिट लेंगे। अब हो गया एक्वेरियम, एक्वेरियम में क्या होता है कि क्या होता है, इसमें भी होता है लिविंग थिंग्स, फिश हो गया लिविंग थिंग्स, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि एक्वेरियम रहता है व्हेल मछली, इसलिए उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है, व्हेल मछली नहीं होता है, एक्वेरियम में फिश होता है, बुद्धू बढ़िया देखो, इन्हें कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं सब सही ही बोलेंगे, अगर हम वीडियो में कुछ रॉन्ग बोल रहे हैं तो कमेंट में जाकर लिखो, एक्वेरियम होता है फिश, व्हेल मछली बहुत ह्यूज बहुत बड़ी होती है, इसलिए उसको नहीं रखा जाए, अपना कॉमन सेंस लगाओ ना, एक्वेरियम रहता है फिश। हो गया पहला देखते हैं लिविंग थिंग्स क्या है, लिविंग थिंग्स क्या है, फिश हो गया लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग रॉक्स, फिजिकल फैक्टर वाटर एंड एयर, बोथ आर कम टूगेदर टू फॉर्म ए मैन मेड इकोसिस्टम, ठीक है ना? एग्जाम्पल यहाँ लीजिए एक्वेरियम, चलो अब एक्वेरियम हम काहे लिखे और यहाँ पर हम एक्वेरियम क्यों नहीं लिखे, क्योंकि रिवर में, रिवर को हम लोग मेंटेन नहीं कर सकते, वो फ्रीनियल रिवर है, वो फ्लो होते रहता है, उसको साफ सुफ करने कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक्वेरियम हो और क्रॉप फील्ड हो, इसको रेगुलर बेसिस पर मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होगा कि जब भी एक्वेरियम में तुम मछली को या फिश को क्या करोगे, रेगुलर टाइम में उसका पानी साफ नहीं करोगे, उसका वाटर साफ नहीं करोगे, उसमें रेगुलर बेसिस पे उसमें क्या होता है ऑक्सीजन नहीं डालोगे तो क्या होगा, फिश डाई हो जाएगा, फिश मर जाएगी, इसलिए उसको मेंटेन करना ज़रूरी है, कुछ ऐसा चीज़ जो मैन मेड के द्वारा बनाया गया उसको मेंटेन करें और उसमें फिजिकल फैक्टर भी हो और लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स भी हो, उसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, अपना हिसाब से लिख देना। और एक बात और, तुम कोई भी अगर डेफिनेशन बना रहे हो उसमें एग्जाम्पल मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्पल एक ऐसा अफेक्ट डालता है किसी भी आंसर पे, उसका उस आंसर का रुख ही चेंज करता है, उस आंसर का क्या होता है वो बहुत ब्यूटीफुल देखने में लगता है और टीचर भी अच्छे मार्क्स देंगे फॉर द बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना? तो एग्जाम्पल हमेशा लिखना, ठीक। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम का टाइप हो गया, ये भी इकोसिस्टम है, ये भी इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम का टाइप हो गया, और कितने प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, ठीक है ना? तो हम लोग देखें कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, होता है इसका दो कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। एबायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग थिंग्स, ले जाते हैं यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जांपल रिवर, एयर, वाटर, रिवर लिख दिया तो वाटर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? ये फिर रॉक, ये सब हो गया अबायोटिक कंपोनेंट, इन्वायरमेंट का कंपोनेंट, ठीक है ना? तो अब हम लोग पढ़ते हैं, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स के एबायोटिक बोलते हैं,
और बायोटिक को बोलते हैं लिविंग थिंग्स, जैसे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, बहुत सारे एनिमल्स हो गए। यहाँ पर हम लिख देते हैं एग्जाम्पल हम एनिमल्स, इसमें ह्यूमंस भी आता है, माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं। तो ए बायोटिक मतलब मीन्स द बायोटिक कंपोनेंट आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर। वी आर गोइंग टू लर्न वेरी डीपली इन द नेक्स्ट वीडियो अबाउट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर, ठीक है ना। तो प्रोड्यूसर किसको कहते हैं? प्रोड्यूसर से ही हमारे दिमाग में ऐसा ख्याल आया कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा थिंग्स जो चीज़ को प्रोड्यूस करे, बायोलॉजी, ठीक है ना, ऐसा चीज़ को प्रोड्यूस करे। फॉर एग्जांपल हम लिखें ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ कैन मेक देयर ओन फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट, ठीक है ना, ठीक है। तो प्रोड्यूसर मीन्स ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट हैं, जितने भी प्लांट हैं हमारे अर्थ पे, वो सब क्या आते हैं? प्रोड्यूसर के कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे सिंथेसाइज ऑन फूड। एग्जाम्पल प्लांट, ठीक, ये हम लोग का फिनिश हो गया। प्रोड्यूसर मीन्स दे कैन मेक देयर ओन फूड, ठीक है ना। और एक बात और आगे वीडियो में इसको अच्छे से डिफाइन करेंगे। और कंज्यूमर किसको कहते हैं? मीन्स हेटरोट्रॉफ, कंज्यूमर से ही ख्याल आया क्या, द थिंग्स विच आर मेड बाय प्रोड्यूमर इज डायरेक्टली कंज्यूम बाय हेटरोट्रॉप्स, समझे। जो चीज़ जो फूड प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉप, उसको कोई तो को खाएगा, वो हेटरोट्रॉप्स को खाएंगे, ठीक है ना, ठीक है। तो कंज्यूमर होते हैं डिपेंडेंट अपॉन अदर सोर्स, क्या है अदर सोर्स? ऑटोट्रॉप है। अंडरस्टैंड, लाइक बटन दबा दो, उसको सब्सक्राइब कर दो, सब कुछ कर दो। आगे वाले वीडियो में और अच्छे से बनाएंगे, इस वीडियो में तो और अच्छा है, अगर ख़राब हो रहा है तो जाके बोलो कि सर और अच्छे से बनाइए, तो हम अगले प्रोजेक्टर पर बनाएंगे, चिंता नहीं करो, तुम लोग के लिए बहुत कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंज्यूमर डिपेंडेंट अपॉन अदर सोर्स, एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं ह्यूमन एंड एनिमल, अगर ठीक है ना। अब हम लोग आ गए डिकम्पोजर्स। अब देखो ये ऑटोट्रॉफ फूड प्रिपेयर करेगा, हेटरोट्रॉफ फूड खाएगा, तो जो जो बच गया, जो डेड डीके सब्सटेंस, उसको कोई तो कोई डिकम्पोज करेगा ना, है उसको कहते हैं हम सेफ्रोफाइट्स। सेफ्रोफाइट्स कहते हैं मतलब दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच, मतलब क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो थिंग्स को डिकम्पोज करे, जो थिंग्स को डिकम्पोज, डेड और डीके सब्सटेंस मतलब कंज्यूम द डेड और डीके सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ फंगी लेते हैं, फंगी लेते हैं, ठीक, फंगी क्या करते हैं, जो डेड और डीके सब्सटेंस है ना, उसको डिकम्पोज करते हैं, इसे कहते हैं सेफ्रोफिटिक। इसके अगले वीडियो में इस तीनों को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बाय, सी यू।